सवाल हमसे ये दिया हुआ है, बोला है कि कुछ आयु जो दिया है वर्षों के अंतराल में रोगियों की संख्या रखी गई है। अब आयु जिसकी 5 से 15 वर्ष है उसमें 6 गो रोगी है, 15 वर्ष से 25 वर्ष तक है उसमें 11 गो रोगी है, और 25 से 35 वर्ष उसमें 21 गो, और 35 से 45 उसमें 23 गो रोगी है, 45 से 55 वर्ष वाले में 14 गो रोगी है, और 55 से 65 ओल्ड एज वाले में 5 गो रोगी है। हमें इसका बहुलक और माध्य निकालना है। क्या निकालना है? बहुलक माध्य। बहुलक और माध्यक निकालना है और माध्य निकालना है। क्या निकालना है? माध्य। माध्य एक्स बार बराबर हो चुका है और ये हम लोग करना जानते हैं 14.1 में बहुत अच्छे तरीके से कर चुके हैं। रही बात बहुलक की तो ये भी बिल्कुल सिंपल है, कर सकते हैं। इसके लिए फॉर्मूला होता है एल प्लस, समझे, एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो बटा में होता है 2f1 माइनस f0 माइनस f2 होल इनटू h। रही बात कि l क्या है, l है अधिकतम वर्ग अंतराल। अब इसमें कहानी शुरू होता है, बिल्कुल सिंपली हम किसको मानेंगे तो अधिकतम वर्ग अंतराल देखेंगे। क्या देखेंगे? अधिकतम वर्ग अंतराल, अधिकतम वर्ग अंतराल बारंबारता वाला जी। अंतराल देखेंगे, ठीक है। तो अधिकतम देखो इस सब में अधिक कौन है? 23 है जी। इसको कहेंगे F1, और इससे पहले वाला होगा F0, और इसके बाद वाला होगा F2। उम्मीद करते कि ये बात तो समझ में आ गया। अधिकतम वर्ग अंतराल क्या निकला हमारा? 35 से 45 ना जी। 35 से क्या? 45। और इसमें पहले का वाला होगा हमारा L, L बराबर 35। सब तो आ गया। H मतलब अंतराल, H मतलब अंतराल 10 का ना चला है, देखो 5 से 15, 15 से 25, 10 का अंतराल कितना है? जो फॉर्मूला में हमको चाहिए सब आया। क्या अब रख दीजिए? रख देंगे, आराम से बन जाएगा, आराम से। L का मान 35। तो बहुलक बराबर हम लिख देंगे यहाँ पे L का मान 35 रख दिए, F1 का मान, ये ब्रैकेट घेर दिए, F1 का मान कितना है? 23 माइनस के 21, F0 तो 21 है, बटा में 2F1 मतलब 23 दुना 46, 23 दुना 46 माइनस का 21 माइनस के 14, 21 को 14 दोनों माइनस में जोड़ देंगे, और गुणा में कौन? 10। H बोले तो 10। बस घोड़ा रोकिएगा जरा, 35 तो ठीक है, प्लस भी ठीक है, ऊपर में देखिए कै को बचेगा, नीचे में 46 को में से इसको जोड़ेंगे तो 35 हो गया, हो गया ना, और 21 को 14 को कै को होता है 35, तो 16 बचेगा, यस बचेगा, गुणा में कौन बचेगा? 10। बस ये देखो 8 गुना 16 ही ना बचेगा, सॉरी 11 को ना बचेगा, यस सर 11 को बचेगा, 46 है, यस सर, 35 है, यस सर 11 को, 11 को ना बचेगा जी। गलती से मिस्टेक करा दिया आप लोग, कै को बचेगा? 11 को। ज्यादा दिमाग लगाएंगे नहीं है भी का, हाँ कटेगा नहीं तो 10 दुना 20, 10 दुना कितना? 20। तो इधर लेके आ जाते हैं, 35 तो ठीक है अपने जगह पे, प्लस का भी, और प्लस का कितना? 20 बटा 11। पढ़ने आता पहाड़ा जी। नहीं आता तो इधर सिखा देते हैं, 11 भागा 20 भागा। एक बार में जाएगा 11, तो 9 आया दशमलव एक अंक के बाद, 11 99 ना होता है, 90 होगा, गलती से 90 होगा तो यहाँ पर लिख, 11 या 88 हो गया, दशमलव एक अंक के बाद ले ले, बहुत है। तो हम कितना लिख सकते हैं फाइनली इसको? 35 प्लस 1.8, 35 गो 36 गो 36.8, ये इसका हो गया बहुलक। माध आप लोग निकाल लीजिएगा, कौन सा फॉर्मूला लगा के इसी से निकालना है, माध आप लोग निकाल लीजिएगा कौन सा फॉर्मूला होगा माध्य बराबर एक्स बार बराबर कौन सा कल्पित मान वाला ले लो, क्या होता है? ए प्लस एच समेशन एफ आई यू आई समेशन एफ आई। कैसे? क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2
क्वेश्चन नंबर दो में बोला है कि जीवन काल है घंटे में और इसकी बारंबारता दिया हुआ है, इसमें भी हमें क्या निकलना है, बहुलक निकलना है। क्या निकलना है? बहुलक निकलना है। बहुलक बराबर अभी हम लोग सीखे हैं कि क्या होता है, एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो बटा में टू एफ वन माइनस के टू एफ टू सॉरी टू एफ जीरो माइनस के एफ टू और इंटू में कौन एच और अधिकतम वर्ग अंतराल। इसमें देखो अधिकतम बारंबारता वाला कौन है, एकसठ है। एकसठ है तो एकसठ का अंतराल क्या है, साठ से अस्सी अस्सी तो इसमें एल मिल गया, एल बराबर कितना साठ साठ और इससे ये हमारा क्या होता है एफ वन होता है, ये हमारा एफ जीरो होता है, ये हमारा एफ टू। बिल्कुल समझ में आ गया ना, साठ की जगह नहीं हम बिल्कुल सही लिखे, आप गलत देख रहे हैं। हमारा एफ वन कौन होगा यहाँ पे, एकसठ होगा, एफ जीरो हमारा कौन होगा बावन होगा और एफ टू हमारा कौन होगा अड़तीस होगा और एच कौन होगा सॉरी बीस होगा। अल्टरनेट कितना का है, बीस का है, दिख रहा है ना, अंतराल कितना का है, बीस का। अब इस फॉर्मूला में और कुछ चाहिए क्या, तो रखेंगे बहुलक बराबर क्या होता है, आप रख देते हैं ना, एल का मान कितना साठ रख दिए, साठ प्लस तो प्लस एफ वन साठ साठ माइनस बावन बटा एक सौ बीस सॉरी बावन दूर है एकसठ है, एफ वन कौन है एकसठ और उसके बाद इसका दुगुना ए कितना जगह एक सौ बाईस एक सौ दुगुना उसके बाद क्या एफ जीरो मतलब बावन बावन माइनस अड़तीस माइनस अड़तीस और गुणा में कौन बीस। ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना, साठ तो अपने जगह पर ठीक है, प्लस ऊपर में घटा दो, एकसठ में से बावन को गया नौ बच्चा नौ को ठीक है बटा में एक सौ बाईस माइनस की इन दोनों को जोड़ दो तो ये कितना हो गया दस के लिए जीरो और ये पांच तीन आठ नौ नब्बे गुणा में कौन बीस। साठ तो ठीक है अपने जगह पे, नौ बटा बत्तीस बत्तीस गुणे बीस दो से कटेंगे दस दूना बीस सोलह दूना बत्तीस फिर से एक बार कट गया पांच दूना दस आठ दूना नौ पचे पैतालीस पैतालीस बटा फिर से भाग करने नहीं आता है, आता है कर लेते हैं आठ भागा पैतालीस हम नहीं कर लेंगे पांच बटा छह लेते हैं साठ प्लस पांच दशमलव छ सात पाँच पैंसठ पॉइंट इसकी बहुलक होगी समझे। ये भी हम लोग कहानी खत्म, इसलिए चूंकि माध्य निकालने के लिए बोला नहीं आज जब बोला नहीं है तो हम जानते हैं इसे निकालना तो निकालेंगे काहे कोई दिक्कत नहीं।